सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से वॉक इन व्लॉग्स के एक और एपिसोड में। और भाई आज का जो वीडियो है भाई बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। और भाई हमारे साथ हमारे भाई कैंडी और भाई राजीव भाई दोनों हमारे साथ हैं। और थंबनेल आपने देख लिया होगा, तो आज चाउमीन बनने वाली है फेंटा में। और भाई हम टेस्ट करेंगे उसे और एक पब्लिक रिव्यू भी ले लेंगे, मतलब रैंडम पब्लिक में से मेंबर उठा के हम एक चाउमीन को टेस्ट कराएंगे और हम आपको बताएंगे कि ये चाउमीन कैसी है। भाई मुझे तो सोच के ऐसा लग रहा है कि बेकार ही होगी। मेरे को खुद पसंद नहीं है फेंटा। कहाँ यार एक सोचने की बात है, फेंटा कुछ मतलब अलग हो गया, डिफरेंट, मतलब टेस्ट ट्राई करेंगे, बढ़िया होगी। नहीं यार, वो वीडियो में मैंने वीडियो में देखा था, वो पर्सन बोल रहे थे कि भाई फेंटा वाली चाउमीन ना मतलब थोड़ा टेंगी टेंगी सा टेस्ट आता है। राहुल भाई की शॉप पे जो पिछले वाली वीडियो जो आपने देखा था, अगर आपने नहीं देखा था तो आप पहले पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही कमाल का वीडियो था, वर्ल्ड स्पाइसी चाउमीन का हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमारे राजीव भाई ने चाउमीन खाई और हमारे कैंडी भाई ने वो चाउमीन खाई थी। भाई इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश करी उस चीज़ के लिए, पर ये खा नहीं पाए क्योंकि यार वो बहुत ज़्यादा तीखी चाउमीन हो गई थी। और जैसा कि कैंडी बता ही रहा था कि भैया उसके बाद सर में दर्द हो गया भाई, इसके चक्कर आ गए गाइस। भाई पहले आप वो वीडियो भी जरूर जाके देखना, वो वीडियो बहुत कमाल का शूट हुआ था। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हो ना तो भाई हमें कमेंट में ज़रूर बताया करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब आप लोग अभी के अभी। भाई भाई बिल्कुल ना, अभी सब्सक्राइब करो भाई, पहले अभी अभी। तो भाई धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। चैनल को प्लीज से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आज का वीडियो बहुत कमाल होने वाला है। तो चलें फिर, और लाइक और कमेंट भी जरूर करना गाइस। हाँ तो फ्रेंड्स चलते हैं अब राहुल भाई की शॉप पे, जो हमारे लिए बनाएंगे फेंटा वाली चाउमीन और हम उसका एक रिव्यू, पब्लिक रिव्यू भी लेंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं। भाई प्रदीप भाई आज हमारे लिए चाउमीन बनाएंगे, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंटल चाउमीन बनाने वाले हैं, जो कि आपने थंबनेल में अपना थंबनेल टाइटल देख ही लिया होगा। तो भाई हम फेंटा में चाउमीन बनवाने वाले हैं और आपको हम एक अच्छा रिव्यू देंगे कि आप अगर फेंटा में एक चाउमीन बनवाते हो और कोई बना के आपको खिलाता है तो वो आपको कैसी लगने वाली है। तो प्रदीप भाई शुरू करें फिर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कम से कम 2007 से चाउमीन मोमो सूप। तो भाई देख लो भाई, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है भाई प्रदीप भाई को, मतलब चाउमीन मोमो के तो भाई हमारे डे वाले के किंग है। इसको तो नहीं लगता सही होगा। अच्छा सही लगता। चलो प्रदीप भाई पर फिर हम बनाएंगे। तो भाई प्रदीप भाई ने तो बनाने का पहले अपना रिव्यू दे दिया है कि भाई अच्छी लगनी है, निकाली नहीं है, पर फिर भी हम ये एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं। तो भाई इसमें गाजर, प्याज और अपना शिमला मिर्च, शिमला मिर्च भी चलेगी, टमाटर भी चलेगी। तो भाई ये चलेगी अपनी चाउमीन। प्रदीप भाई ये क्या गया? ये अजीनोमोटो। ये अजीनो गया। ये भाई अपनी मिर्ची चली गई। ये गया भाई अपना नमक। थोड़ा सा एमबीएच का मटर मसाला। कौन सा मसाला पड़ती भाई? मटर मसाला, एम बी मटर मसाला। चाउमीन की बैंड बजने वाली है मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो प्रदीप भाई आप डालेंगे जो हम अपनी फेंटा। तो भाई ये जा रही है देखो, इसमें फेंटा
परेशान नहीं करते। तो भाई ये चली गई अपनी फैंटा चाउमिन में और ये बन गई हमारी फैंटा चाउमिन। तो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई ये धुआं जो उठ रहा है फैंटा की वजह से उठ रहा है ना, फैंटा के क्योंकि जल रही है। अब मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सॉस थोड़ा ठीक ठीक लगेगा, खट्टा मीठा हो सकता है कि अच्छा भी हो। वही डाउट है प्रदीप भाई, वही अपने आज इस डाउट को क्लियर करना है जी, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल यूट्यूब पर वीडियोस आ रही हैं शहरों में लोग फैंटा डाटा अभी चाउमिन बना रहे हैं। चाउमिन छोड़ो प्रदीप भाई, मैगी भी नहीं छोड़ी, मैगी नहीं हुई। तो भाई ये आ गई अपनी फैंटा वाली चाउमिन, आप देख सकते हो कलर में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, पर टेस्ट में हम आपको बताएंगे खा के इसका टेस्ट कैसा है। बेटा अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम आदि है। आदि है, आदि आप चाउमिन खाते हो? तो आदि आपने ये चाउमिन खाई है फैंटा में बनी हुई, आपको ये चाउमिन कैसी लग रही है? मेरे को बहुत अच्छी। अच्छी लग रही है। तो भाई देखो बच्चों को फैंटा बहुत पसंद है, कैसा टेस्ट आ रहा है इसका? मतलब इसका थोड़ी सी खट्टी है। थोड़ी सी खट्टी है। तो भाई देखो बच्चा बता रहा है खाके कि थोड़ी सी चाउमिन खट्टी है, और भाई ये रियल रिव्यू है और सबने भाई थम्स अप ही करा है कि चाउमिन ठीक ही लग रही है। भाई मेरे को तो ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि चाउमिन ठीक लगेगी। प्रदीप भाई चाउमिन सही बनी है भाई, भली फैंटा में बनी है और चाउमिन बहुत बढ़िया बनी है। तो बेटा ऐसे कर दो थम्स अप करो। तो भाई थम्स अप हो चुका है और चाउमिन बढ़िया बनी है, बोलिए। तो भाई पहले तो आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम अंकित पासवान है। तो भाई अंकित पासवान भाई हमारे साथ है, प्रदीप भाई भी साथ में खड़े हुए हैं। ये फैंटा वाली चाउमिन हमने बनाई थी, तो भाई ये पासवान भाई चेक करेंगे फैंटा वाली चाउमिन कैसी टेस्ट में कैसी, और फिर हमें एक रियल रिव्यू देंगे। तो भाई आप टेस्ट करो। भाई खराब लगे तो खराब बताना, अच्छी लगे तो अच्छी। नहीं नहीं चाउमिन फर्स्ट क्लास है बिल्कुल। बहुत तेज हो रहा है। प्रदीप भाई पहले तो ये बताओ ये तुम्हारे हाथों का कमाल है नहीं, या ये वाकई चाउमिन बढ़िया? ऐसा भी लग रही नहीं, वाकई मैंने सबसे पहले मैंने टेस्ट की, मुझको तो अच्छी लगी। अच्छी लगी मुझको तो, अच्छी लगी। तो कैसे टेस्ट आ रहा है? ठीक है, खट्टा मीठा है, अच्छा है। कुछ अतरंगी लोग होते हैं जो ऐसी चाउमीन भी खाना पसंद खाएंगे। तो प्रदीप भाई फिर इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और आप एक बार ये बोल दो कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दो। चलो ठीक है प्रदीप भाई, थैंक यू सो मच। इसकी तरह चाउमीन कहीं मिल नहीं सकती आपको। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, कैसा लगा मेरा मजाक? Hold me close till I get up.